सबसे बड़े दुख की ये बात है कि जब बात चर्चा की होती है, पहले तो हमेशा करते थे कि आप चर्चा करने के लिए हम सब तैयार हैं, तो ये जब दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, जो फसाद हुए हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? पार्लियामेंट कितने दिनों से चल नहीं रहा और हम चाहते हैं कि चर्चा हो। ये कहते हैं नहीं, हम चर्चा हम 11 तारीख करेंगे। 11 तारीख क्यों करेंगे आप? इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, अभी तो ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग की मृत्यु हुई है, क्योंकि अभी भी हमें जो जानकारी मिली है कि ड्रेन्स में कई लाशें पड़ी हुई हैं। तो जब तक ड्रेन्स की ड्रेजिंग नहीं होगी, तब तक ये नहीं पता चलेगा कितने लोग मरे। तो ये बड़ा, ये सवाल पार्लियामेंट में उठने चाहिए, इन सवालों का गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। ना वो जवाब देने के लिए तैयार है, ना बहस करने के लिए तैयार है, और आप आरोप हम पे लगाते हैं कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। पहले तो हमेशा कहते थे कि आप बहस क्यों नहीं करने देते, जब हम बहस चाहते हैं तो ये बहस होने नहीं देते। तो क्या हो जाएगा अगर होली के बाद 11 तारीख को बहस हो जाएगी? तो आज नहीं होगी तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इनको पार्लियामेंट को, और साथ साथ में ये एक संदेश जाना चाहिए कि पार्लियामेंट के जो सांसद हैं वो इस चीज़ से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहस हो, और ये मैसेज जनता को जाना चाहिए कि हम सब बहुत चिंतित हैं कि ऐसा दिल्ली में भी, हमारी राजधानी में भी हो सकता है। और ये चिंता जब व्यक्त करेंगे, हम सब सांसद व्यक्त करेंगे पार्लियामेंट में, तो वो संदेश एक जाएगा दिल्ली की जनता को, ये बहुत ज़रूरी है।